इम्पोर्टेंट बात, ये चैनल मेरा नया है, नया चैनल डाला गया है, पुराना बंद हो गया है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी और इस बार बहुत दिनों बाद फिर से आया हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ एक नया मॉडल लेकर के आया हूँ। ये हमारा नया मॉडल है, B11 मॉडल है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाले हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम दिया है, मोटर जो है वो 3 फेज में दी है, लेकिन जो मशीन है वो सिंगल फेज में ही चलेगी। मोटर 3 फेज ली है। मोटर 3 फेज से ताकत बहुत ज़्यादा बन जाती है मशीन के अंदर। और अब मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। मशीन ऑन हो गई है हमारी। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि हम मशीन को रनिंग करते हैं कंट्रोल पैनल से, इसी से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसी से हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मशीन को हम कितना भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको इतना भी स्पीड, बिल्कुल मिनिमम स्पीड दिखा सकता हूँ। और मैक्सिमम स्पीड हमारी मशीन की ये हो जाती है। ये मशीन कैसे वर्क करती है ये भी मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। आपको मैं कुछ माल निकाल के दिखाता हूँ, जैसे कि अपना 2.5 mm वायर हो गई और 1 mm हो गई, 0.25 mm हो गई और 0.3 वाला माल भी हो गया, और ये अपना 2-core का एलुमिनियम का वायर हो गया और ये अपना 4-core एलुमिनियम वायर हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बारीक से 0.3 का माल, वन एम एम का माल, विदाउट कॉपर कटे 1.5 mm का माल, वन सेटिंग पे, कोई सेटिंग नहीं करनी, विदाउट कॉपर कटे। इस मशीन की जो सेटिंग करी गई है वो इस हिसाब से करी गई है, 2.5 mm का माल, कि आपका माल भी ना कटे और माल भी पूरा का पूरा निकल जाए। ये पूरा का पूरा माल, 2.5 mm का एक वायर, ये भी, ये लोकल और कंपनी के दोनों तरह के माल लिए थे ताकि दोनों मालों पर आपको चला के दिखा सकूं। ये आपकी लच्छी ऐसी की ऐसी। अब बात करते हैं सर्विस वायर, 2-core का जो सर्विस वायर होता है इसको निकाल कर। अभी तक कोई मशीन के अंदर सेटिंग या बदलाव नहीं करा है, सेम सेटिंग पर मशीन को चला रहा हूँ, सेम ही सेटिंग पर एकदम। अब ये 25 mm का वायर, बहुत इसमें चीज़ देखने वाली है, इसके अंदर जो PVC है बहुत हल्की सी है, तो हम इस पे जो कटिंग लेंगे बहुत छोटी सी कटिंग लेंगे, बहुत हल्की सी। ये कट आ गया हमारा। मशीन के जो ब्लेड होते हैं ये कटिंग आ गई है, लेकिन ब्लेड जो होते हैं हमारे वो आर्मर्ड और नॉन आर्मर्ड दोनों पे काम करते हैं। ये हमारी GI पत्ती हो गई, इसको हम अलग सेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर फिल बहुत हल्की सी PVC है, इसको हम सबसे लूज कटिंग लेंगे, बहुत हल्की सी। अब ये बहुत जाना ये इसमें चाहिए, लेकिन हम इसको सबसे कम कटिंग में डालेंगे ताकि कटिंग बहुत हल्की सी आए, माल खराब ना हो हमारा। वन सेटिंग ट्रायल था मशीन का, मशीन के साउंड सुन सकते हैं, मशीन की डिजाइनिंग लुक देख सकते हैं। इस बार कुछ यूनिक करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, और एक इसमें स्पेशल जो हमने चीज़ें डाली हैं, हमारी मशीनों में पहले अंदर की तरफ गरारियां होती थी, जिससे डस्ट वगैरह जाना, ऑयलिंग की प्रॉब्लम, ग्लास खराब होना, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती थी। इस बार हमने क्या क्या है,
हमने मशीनों की गरारी के लिए, ऑयलिंग के लिए बिल्कुल अलग से हमने सिस्टम दे दिया है। साउंड प्रूफ मशीन है, सेटिंग बहुत इजीली है, इजीली ब्लेड आप चेंज कर सकते हैं। तो ये नया मॉडल था अपना, ये BS11 मॉडल है, न्यू मॉडल निकाला है, और ऑर्डर के लिए आप जल्दी कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रिकवरी का मैं देता हूँ, इस तरह के माल में क्या रिकवरी होती है, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये चैनल मेरा नया है, नया चैनल डाला गया है, पुराना बंद हो गया है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।